प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सुशील सर की पाठशाला में। आज हम एक्सरसाइज 7.3 की प्रॉब्लम्स करेंगे। बेसिक हमारा रहेगा कि परमुटेशन ऑफ नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकिंग r एट ए टाइम। फॉर्मूला है हमारा क्या, npr That is equal to n factorial divided by n minus r factorial। तो हमारे पास जो भी क्वेश्चन है वो इसके आसपास रहेंगे, इस फॉर्मूले के आसपास ही रहेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मैनी थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 If no digit is repeated, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कौन कौन से डिजिट यूज करने हैं, 1 to 9। तो टोटल डिजिट हमारे पास कितनी है, दैट कैन बी यूज, ये हमारे पास 1 से 9। तो टोटल ये 9 हो गए 1 से लेके 9 तक। और हमारे थ्री डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड, तो नंबर कितने डिजिट का फॉर्म करना है, 3 डिजिट्स। यहां पे यानी कि यहां हमारे पास ये n की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो 9 डिजिट में से 3 डिजिट यूज करने हैं, 3 डिजिट नंबर बनाना है तो 3 डिजिट हमें यूज करने हैं। तो नंबर ऑफ डिजिट्स used to make 3 digit number। तो 3 digit का नंबर बनाने के लिए कितने डिजिट यूज करने पड़ेंगे, 3। इसका मतलब r की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। n की वैल्यू पता चल गई और r की वैल्यू पता चल गई। तो हमसे पूछा गया हाउ मेनी 3 digit नंबर कैन बी फॉर्म। तो हम लिखेंगे कि हाउ मैनी कितने 3 डिजिट नंबर, तो लिखेंगे कि नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स फॉर्म कितने हो गए। फॉर्मूला क्या है हमारा, npr, यानी कि 9 डिजिट में से 3 डिजिट लेने हैं। यहां पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 9 factorial डिवाइड बाय 9 माइनस 3 factorial। ये आ जाएगा हमारे पास 9 factorial डिवाइड बाय 6 factorial। यहां इसको हम क्योंकि ये वैल्यू बढ़ी है तो इसको छोटा कर लेते हैं, 9, 8, 7 इंटू 6 factorial। यहां पे हमारे पास 6 factorial कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 9, 8 और 7। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे ये 72 हो जाएगा, 72 की 7 के साथ करेंगे 14, 4, 49, 50। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, मीन्स 504 3 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं 1 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट को यूज करके, जब डिजिट रिपीट ना हो। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कितने में से कितने लेके हमें उनकी परमुटेशन अप्लाई करनी है। दूसरी बात कि सारे के सारे जो नंबर है डिफरेंट है तो अलग केस रहेगा, और अगर वो सेम है तो फिर फॉर्मूला हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा, जिसकी हम साथ में ही बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। प्यारे बच्चों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहा गया हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर, हमारे पास
काउंटिंग्स में फोर डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं, फोर डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होता। अब प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो आप देखेंगे कि डिजिट कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो हमारे पास ये टोटल डिजिट्स दैट कैन बी यूज्ड ये है हमारे पास टेन, वन से लेके नाइन तक तो नाइन हो गए लेकिन एक जीरो भी है तो ये टोटल, क्योंकि वन जीरो टू थ्री ये भी तो एक फोर डिजिट नंबर है, जीरो भी आ जाएगा इसमें। तो उसने कहा था कि फोर डिजिट के कितने नंबर है, हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। तो देखो आप काउंटिंग में फोर डिजिट नंबर सारे किस तरह से परमुटेशन की सहायता से फाइंड कर सकते हैं, अब आप देखेंगे। प्यारे बच्चे जो फोर डिजिट नंबर होगा उस फोर डिजिट नंबर की क्या खूबी है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा तो ये फोर पोजिशन है, यूनिट प्लेस या वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस, ये थाउजेंड प्लेस, इकाई का अधाई सैकड़ा और हजार अंक। अब प्यारे बच्चों इस थाउजेंड प्लेस पे अगर जीरो आ गया, इस थाउजेंड प्लेस पे अगर जीरो आ गया बाकी कहीं भी कुछ भी आता रहे तो वो फोर डिजिट नंबर नहीं होगा, ये तो थ्री डिजिट नंबर आएगा, यानी कि यहां पे हमारे पास जीरो नहीं आ सकता, इस जगह पे हमारे पास जीरो नहीं आ सकता, जीरो को छोड़ के कुछ भी आ जाए फिर ठीक रहेगा काम। तो जो थाउजेंड प्लेस है, थाउजेंड प्लेस टेन की बजाय नाइन वे से भरा जा सकता है, क्योंकि यहां अगर जीरो आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो थ्री डिजिट अंक मनेगा नंबर। अब एक अंक यूज हो गया वन से लेके नाइन तक कोई सा भी, बाकी हंड्रेड प्लेस टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे या वंस प्लेस पे कोई भी आ सकता है लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। अब इनमें से कोई भी एक यूज हो गया तो एक तो चला गया इनमें से, ये एट रह गए, ओट और एक एट और एक ये वन कितने हो जाएंगे, ये नाइन हो जाएंगे। तो ये अगला जो अगली जो पोजीशन है वो कितने तरीके से भरी जाएगी, नाइन। नेक्स्ट अगली पोजीशन कितने से भरी जाएगी, फिर एट, और फिर अगली पोजीशन कौन से भरी जाएगी, सेवन। एक एक कम होता रहेगा। वैसे तो क्या होना था, क्योंकि ये टेन डिजिट है शुरू में क्या होना था, टेन फिर नाइन फिर एट और फिर सेवन, लेकिन यहां पर टेन नहीं आ सकते क्योंकि यहां पे अगर जीरो आ गया तो वो फोर डिजिट नंबर नहीं बनेगा, तो इसकी वजह से यहां पे नाइन आ गया, बाकी तो सारा सेम ही रहा। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहां से 81 की फिर हम एट के साथ करेंगे तो ये एट 64 आ जाएगा, और फिर उसके सेवन के साथ करेंगे 56 से 6, 33 से 3, 45। तो प्यारे बच्चों ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हमने इसमें किया बिल्कुल एक जनरल से तरीके से किया, अब आप इसको देखते हैं क्योंकि अब हम इसको लिखते हैं कैसे। देखो इन ए फोर डिजिट नंबर थाउजेंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितने वे, जो थाउजेंड प्लेस है वो कितने तरीके से भरा जा सकता है, नाइन वे से, क्योंकि यहां पे जीरो नहीं आ सकता, और बाकी की जो तीन पोजीशन है वहीं पे कुछ भी आ सकता है, बाकी की जो तीन पोजीशन है वहां तो कुछ भी यूज कर लो। तो रेस्ट थ्री डिजिट्स कैन बी फिल्ड बाय या अरेंज बाय, बाकी के जो तीन डिजिट बचे हैं और टोटल में से कितने बच गए, नाइन, तो नाइन में से थ्री कैसे करते हैं, नाइन पे थ्री। तो टोटल अरेंजमेंट लिख दो,
या फिर टोटल फोर डिजिट नंबर्स लिख दो, फोर डिजिट नंबर्स आर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 9 × 9p3 ये लिख देंगे। अब देखो 9 तो है ही हमारे पास, 9p3 9 हमारे पास 9 फैक्टोरियल और ये हमारे पास 9 − 3 और वो लगा दिया हमने फैक्टोरियल का 9 − 3 फैक्टोरियल तो ये 9 × 9 = 6 factorial ठीक है। अब ये 9 factorial को हम छोटा कर लेंगे 9 × 7 × 6 factorial और नीचे 6 factorial ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। तो देखो 9 × 9 = 7 9 × 9 = 7 तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 4 × 5 = 36 तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो आप प्यारे बच्चों इसको और इस तरीके से भी कर सकते हो। आपको शुरू में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है लेकिन जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते चलेंगे तो आप इनको चुटकियों में करते चलेंगे आप तो फिर इसको इस तरह से सोचेंगे कि फोर डिजिट नंबर बनाने हैं हमें और इन डिजिट्स को यूज करना है तो शुरू में 0 तो आ नहीं सकता तो फर्स्ट पोजिशन कितने तरीके से 9 में से, बाकी की जो 3 जगह है उन पर तो कुछ भी आ सकता है। टोटल है कितने डिजिट, 1 तो यूज हो गई 9 में से तो 1 तो ये बच गया और 1 0 भी आ सकता है तो 9 में से 3 जगह है तो 9p3 बस इसको सोल्व करोगे तो इस तरह से चलोगे। जब आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको इस तरह से करना शुरू कर दोगे। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू वेरी मच।